ये कॉइल चेंज करते हुए, ये पाइप ले आया मैं और इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया है स्पैनर को पाइप के थ्रू घुसा करके और इसको ढीला कर दिया है। ये बिना कोई पंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप ये तेल इसमें इकट्ठा हो रहा है। और इसका कैप मैंने थोड़ा सा लूज़ कर दिया ताकि एयर जाता रहे। अभी मैं इसका ग्राउंड टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। इसका ग्राउंड टर्मिनल ओपन कर दिया ताकि कोई किसी तरह का एबीएस का अलार्म ना आए। और ये बस मैंने रखा हुआ है इसको ऐसे ओपन करके, एक बार ये पूरा ये फ्लूड निकल जाएगा उस पाइप से आने बंद जब तक हो जाएगा तब तक इसको ये रखेंगे। और उसके बाद जब ये आना बंद हो जाएगा लगभग, जब जा करके ये नया वाला जो डॉट फोर मैंने लाया है ये डालूँगा। इसको चेंज करने का रीज़न ये था कि गाड़ी में तो पहले से डॉट फोर लिखा हुआ है तो डॉट फोर ही आया होगा कंपनी से बन करके, लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने डॉट थ्री इसमें से टॉपअप किया था तो डॉट थ्री और डॉट फोर मिक्स हो गया। अब मैं इस पर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसमें ये खाली करके डॉट फोर डाल दूँगा। और जब ये डॉट फोर जब डाल दूँगा, जब इसका ए बी ये टर्मिनल लगा के देखूँगा। करीब 15 मिनट के बाद अभी इतना भरा है और अभी लगता है अभी गिर ही रहा है, बहुत स्लो गिर रहा है, लेकिन हाँ किसी और पर्सन की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल हैंडेडली हो जाएगा। विल टेक सम टाइम, होने देते हैं इसको। इसमें वहाँ लिक्विड आना बंद हो गया, ब्रेक फ्लूड आना बंद हो गया, वो बस खाली हो गया है पूरा। इसको ये डॉट फोर से भरते हैं। देखें क्या यहाँ तो नहीं आ रहा है अभी। यहाँ फिर से ड्रॉप आने शुरू हो गए, अब ये नया वाला ऑयल आ रहा है। इन दिस मीन वाइल एक तो ख़त्म हो ही गया है 250 ml, अब ये हाफ लीटर वाला ओपन करते हैं, इसको डालते हैं। और लगता है नीचे जा करके अब उसको बंद कर देते हैं, नहीं तो वो नया ऑयल भी गिरता रहेगा। सेम यही प्रोसेस पीछे के दोनों टायरों के लिए भी रिपीट करेंगे हम लोग, तो ये कंप्लीट चेंज कहला जाएगा। पीछे के भी दोनों टायरों का ऐसे ही कर लेना है। आगे रिजर्वायर से लेकर के यहाँ तक की ट्यूब लंबी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पीछे का भी ऐसे ही कर लेना है, इसको थोड़ा टॉप अप कर लेते हैं।
हाय फ्रेंड्स, तो बूटमो से मैंने ये मंगा लिया था और ये है कैलिपर गाइड ग्रीस जो 185 रुपीज़ का है, तो ओरिजिनल हुंडई का ये मैंने मंगा लिया था और अभी लोकल मैकेनिक शॉप पे आया हूँ ताकि ये आगे का दोनों डिस्क के कैलिपर पिन को ये लोग ग्रीस कर देंगे। ये हर साल मैं बाहर से करा लेता हूँ। दिस इज़ टेक 500 फॉर ऑल द फोर व्हील्स क्लीनिंग एंड आई थिंक इट्स प्रीटी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रेट ब्रेकिंग। तो और दिखाता हूँ, गाड़ी को 2 साल होने जा रहे हैं और ये रहा ब्रेक का हालत। इट्स अमेजिंगली गुड, ब्रेक बहुत हैवी और पीछे वाला भी वो भैया बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है अभी। ठीक है सर, अभी कैलिपर का ग्रीसिंग करवाते हैं। वैसे भी मैं इंजन ब्रेकिंग बहुत करता हूँ तो नॉर्मल मैं ब्रेक कम लेता हूँ। पीछे के भी ब्रेक पैड सही लग रहे हैं। एक बार क्लीनिंग विलिंग हो जाती है ना, सब सही रहता है। ये एकदम मस्त। या लेफ्ट साइड के दोनों टायरों के लिए लगे हैं, थोड़ी देर में ये दोनों क्लियर हो जाएगा। कैसा भैया इसका ब्रेक दोनों तरफ का, इस तरफ का? ठीक है, सेम है। सेम है ना, बढ़िया। 50% पे आया है कि नहीं अभी तक? आधा घसा है कि नहीं अभी तक नया से? नहीं, आधा भी नहीं घसा है। सही है। सेम है ना उस तरफ के जैसा?
है तो